तो सामने जो माउंटेन दिख रहा है एक्विरा का माउंटेन है। तो एक्विरा का ब्लॉग एंड हो गया, अभी हम जा रहे हैं लोहागढ़। तो लोहागढ़ इधर से ऑलमोस्ट कुछ 8 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर है। तो अभी इधर से ट्रिप स्टार्ट होता है लोहागढ़ के लिए। तो वीडियो देखते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो अच्छा लगा तो फिर फ्रेंड्स में शेयर भी करो। जाने के रूट में एक स्टेशन गिर है मालौली कुछ तो नाम है। तो अगर किसी को लोहगढ़ आना है तो नज़दीक में स्टेशन यही है शायद से, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और रूट में स्टेशन गिर है, मतलब नज़दीक का स्टेशन यही है। अपना नॉनवेज थाली, दाल भाजी, ये भाजी, ये चने की दाल, पापड़, दही, कांदा, अचार। तो इधर मलौली स्टेशन, इधर नेत्र स्नैक्स सेंटर। तो नेत्र स्नैक्स सेंटर मेरे तरफ से सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर कोई आ रहा है इधर लोहगढ़ आने के लिए, अगर किसी को बजट में चाहिए वेज थाली, तो नेत्र स्नैक्स सेंटर नज़दीक में मीन्स अफोर्डेबल है। तो ये लोहगढ़ का एंट्रेंस। अभी घर से निकले थे सुबह के टाइम, वेदर काफ़ी अच्छा था, पर अभी 4 बज गए तो गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। उसके बाद भी 5 मिनट ऊपर चढ़े, लेकिन तो ये लोहगढ़ का एंट्रेंस है। इधर टिकट निकालना पड़ता है इधर। तो टिकट का प्राइस 25 रुपीज़ है, तो टिकट निकालना पड़ेगा, उन लोग बोल रहे कंपलसरी है, या तो ऊपर किसी चीज़ में अलाउड नहीं होगा टिकट निकालने के लिए। तो लोहगढ़ ज़्यादा हाइट पे नहीं है, मीन्स 10 से 15 मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा कंटिन्यू चढ़े तो, लेकिन दोपहर के टाइम में तो समझ लो आधा घंटा पकड़ लो। तो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, हाइट बहुत कम ही है समझो। तो अभी मैं लोहगढ़ में नहीं हूँ, तो ऊपर आने के बाद पता चला है लोहगढ़ नहीं, लेनी है। तो लेनी कौन सा है इतना तो पता नहीं, लेकिन ये लोहगढ़ नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक तो बता रहा था सब रॉन्ग है। वॉचमैन ने बोला इधर से लोहगढ़ 5.5 किलोमीटर है। तो अभी लोहगढ़ किधर ही देखना पड़ेगा। ये ढकले आओ, देख डोंगर के ऊपर देख लोहगढ़। लेनी का एंट्रेंस कुछ इधर से, और ये जो रास्ता दिख रहा है, तो ये जो रास्ता दिख रहा है स्ट्रेट ऊपर जाता है, तो ये साइड जो माउंटेन पे है ये पूरा लोहगढ़ है। तो ये लोहगढ़ का एंट्रेंस है। तो कोई भी अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहा है, तो प्राइवेट व्हीकल से आ रहा है तो थोड़ा संभल के, क्योंकि घाट ज़्यादा है। तो अगर टू व्हीलर से आ रहे हैं तो टू व्हीलर फोर व्हीलर मीन्स कोई सा भी व्हीकल हो, लेकिन घाट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा संभल के आना पड़ेगा। और फोर्ट का टाइमिंग 5:30 बजे तक है, तो 5:30 के बाद ऊपर जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए जो भी आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करना है। तो लोहगढ़ पे चढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा पकड़ लो, आधे घंटे में चढ़ जाएंगे, 20 मिनट में चढ़ जाएंगे शायद से। तो लोहगढ़ के ऊपर से कुछ ये लोकेशन है, मैं एग्जैक्ट अभी ऊपर तक नहीं पहुँचे, लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छा है इधर से। तो इधर से सीन काफ़ी कुछ अच्छे है,
तो ये पूरा लेक है, इधर पूरा माउंटेन है, तो सीन काफ़ी अच्छा है वो लोहगढ़ के ऊपर से। तो बाकी का लोकेशन ऊपर जाके कवर करते लोग, ऊपर जाके थोड़ा और अच्छा है लोकेशन। तो ये गणेश दरवाजा है, ये पूरा गणेश दरवाजा, वो लोहगढ़ का एंट्रेंस हो गया। पीछे ये जो दरवाजा दिख रहा है गणेश दरवाजा है, जल्दी सर। तो इधर कुछ तोप भी है जो जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। तो ये लोहगढ़ का सीक्रेट दरवाजा, सीक्रेट दरवाजा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। मीन्स इधर मीन्स पुराने ज़माने में किसी को तोप भी यूज़ करना रहता है, नज़र रखना पड़ता था, तो इधर से नज़र रखते थे दुश्मनों के ऊपर। तो मीन्स ये चारों साइड ऐसा वॉल बनाया हुआ है, तो मीन्स कभी भी दुश्मन का हमला होता था तो इधर से ये पब्लिक छुपते थे, तो इधर से डायरेक्ट फायरिंग वायरिंग होता था और दुश्मन पर आक्रमण हो जाता था इधर से। तो अगर कोई भी लोहगढ़ आ रहा है तो इम्पोर्टेंट टिप्स, अगर लोहगढ़ आ रहा है तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा फोर्ट कवर करने के लिए कुछ तो एक से डेढ़ घंटा लगता है। तो एक से डेढ़ घंटे के पहले आना, बस 5:30 बजे गेट बंद हो जाता है, तो 5:30 बजे के पहले आना पड़ेगा अगर पूरा कवर करना है तो। या तो सुबह सुबह आ जाओ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा घूमने के लिए, पर हम लोग आज एकवीरा गए थे, एकवीरा से इधर आने के लिए टाइम लग गया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छा वो गेट चालू मिला है। लेकिन अभी प्रॉपर ऊपर जाने के लिए लोहगढ़ इधर टॉप पे और अभी हम इधर ही, लेकिन लोहगढ़ से जो व्यू मिल रहा है काफ़ी अच्छा है, मीन्स पैसा वसूल व्यू है इधर। तो उधर से बोला उधर से सीक्रेट गेट है, तो इधर से सीक्रेट गुफा है, एकदम जनता बोल दो। इधर गुफा वुफा कुछ नहीं है, इधर से लाइट आएगा। इधर गुफा नहीं है लेकिन छुपने के लिए जगह है, मीन जो भी कोई पुराने जमाने में जो पुराने जमाने में जंग होता था वो टाइम पे यूज करते थे, तो गुफा टाइप है। तो इधर से नजर रख सकते, इधर से एक तो यही है लोहगढ़ का फाइनल डेस्टिनेशन। ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ी वाट लग गई है धूप की वजह से, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अभी टाइम हुआ है, टाइम 5:00 बज गए, मीन 5:30 को गेट बंद होने वाला है, तो आधा घंटा है हम लोग के पास पूरा कवर करने के लिए, लेकिन शायद आधे घंटे में कवर हो सकता है। तो लोहगढ़ फाइनल डेस्टिनेशन, ये माउंटेन कौन सा है पता नहीं, लोकेशन काफ़ी अच्छा है, ये जो पूरा लेक, काफ़ी सनसेट के टाइम पे लेक और काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। और ये लोहगढ़ पूरा मीन से पूरा किला है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं, पर जो भी है इन्फॉर्मेशन इधर लिखा है तो खुद ही समझ लो, पढ़ लो।
हाफ इन्फॉर्मेशन दूसरे बोर्ड पे लिखा है। तो इधर एक महादेव का मंदिर है, एक बिचुकड़ है, एक सोला कुनील तलाव, इधर जो भी है पढ़ लो वो सब ये डायरेक्शन में। अभी तो जैसे बोर्ड पे डायरेक्शन दिया तो वही डायरेक्शन पे जाके देखते कुछ देखने मिल रहा है क्या नहीं आगे। सामने इधर देख रहे हो, इधर महादेव का मंदिर है और बाकी पूरा ओपन ओपन प्लेस है। मैं जो लोहागढ़ आना कोई से भी मैं आज तक मैं जितने भी फोर्ट्स पे गया हो उसमें से लोहागढ़ आना पैसा वसूल लगा है, क्योंकि ये लोहागढ़ फोर्ट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी फोर्ट पे इतना कभी बाकी फोर्ट ज़्यादा कभी देखा नहीं, लेकिन इतना भी खास लगे नहीं। ये लोहागढ़ फोर्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बस। लोहागढ़ इतने टॉप पे होने के बाद भी इधर पानी है, मीन्स इधर पानी जमा है अभी भी लोहागढ़ ऊपर टॉप पे। तो किसी को अगर ज़्यादा इमरजेंसी प्यास लगे तो इसे प्यास बुझा लो अपनी, या किसी को नहाना है स्विमिंग आती है तो इधर नहा लो, या तो विसर्जन कर लो इधर। बिस्लरी मिनरल तो इधर पानी डिवाइड भी है, एक बिस्लरी एक मिनरल है। तो लोहागढ़ पे किसको घूमना है तो बिंदास टाइम निकल के आओ, क्योंकि फोर्ट काफ़ी बड़ा है तो आराम से घूमना है। मतलब इधर मीन्स डेढ़ से दो घंटे तो लगने वाले हैं और प्लेस काफ़ी अच्छा है, मीन्स फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेस्ट प्लेस है। और बाकी कपल्स के साथ आना है, फ्रेंड्स के साथ आना है, जिसके भी साथ आना है आओ, लेकिन फैमिली के साथ आने के लिए भी बेस्ट लोकेशन इधर। तो इधर बोर्ड में लिखा है पीने का पानी, तो इधर पीने के लिए पानी भी है। किसी के पास अगर पानी नहीं लाया ऊपर तो इधर से पानी ले लो, क्यों पानी भी फ्रेश है, मच्छी भी है। अरे फ्रेश है, फ्रेश पानी, फ्रेश मिनरल वाटर। ऐसे बोलते हैं नेचर, इतने ऊपर हाइट पे आने के बाद भी पीने के लिए पानी मिल रहा है इधर, और क्या चाहिए टकले बोल। तो बस 25 रुपये में इतना ही शो देखने मिलता है, नीचे से टिकट लेना पड़ता है ऊपर आने के लिए 25 रुपये का। तो बस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र डोहरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और फोर्ट का सजेशन कभी मैं करूँगा, लोहागढ़ बेस्ट फोर्ट है, नज़दीक में जल्दी ऊपर चढ़ भी सकते हैं, फोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, फैमिली के साथ आने के लिए बेस्ट लोकेशन है। बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आ जाओ, कॉलेज स्टूडेंट्स है, कब बंक करके आने तुम लोग कैसे भी आने आ जाओ, बाकी सब लोग फोर्ट एकदम बढ़िया है। चलो वीडियो एंड।